हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीबीएल लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे ए स्टॉक में बहुत तगड़ी रैली देखने को मिला है और बीते वन मंथ के अंदर अंदर 42% का रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन बीते 9 डेज के अंदर अंदर अगर हम बात करें तो ए स्टॉक है जो बहुत तगड़ा रिटर्न दे चुका है और यहाँ पे करीब करीब अगर आप देखो तो ये स्टॉक 116 रुपये तो आपको ऊपर देखने को मिल ही रहा है पीसीबीएल लिमिटेड। लेकिन इतनी रैली क्यों है और इसका शेयर प्राइस आने वाले टाइम में 2500 रुपया भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत जल्द ये स्टॉक 2500 पे भी पहुंचने वाले हैं पीसीबीएल लिमिटेड। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे तथ्य है और वो तथ्य मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स के साथ साझा करूंगा आपके साथ। दोस्तों, यहाँ पे Q1 क्वार्टर की रिजल्ट्स आज पब्लिश कर रही है कंपनी और यहाँ पे Q1 क्वार्टर के अंदर भी एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। PCBL लिमिटेड के अंदर 386.50 रुपया पे स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे। लेकिन अगर आप 5 डेज की रिटर्न की देखें तो 16% की रैली ऑलरेडी PCBL लिमिटेड ने दिखा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे PCBL के अंदर आपका एक भी शेयर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है और PCBL के अंदर अगर आप फ्यूचर के लिए खरीदारी करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखने के बाद ही किसी भी स्टॉक में आप खरीदारी करें, इस वीडियो में खास करके इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करें तभी जब यहाँ पे पूरा वीडियो देख लें और पूरी चीजों को समझ लें। दोस्तों, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब करके चलें दोस्तों, जिससे कि आने वाला जो अपडेट होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि PCBL आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मल्टीवैगर स्टॉक बनने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे PCBL की बात कर रहे हैं तो PCBL के अंदर इतनी तेजी क्यों है, तो सबसे पहले यहाँ पे PCBL शेयर प्राइस इज राइजिंग। यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन ब्लैक इंडस्ट्रीज में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, एक कंपनी आपको PCBL देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें खास करके तो अगर आप बात करें PCBL लिमिटेड की तो यहाँ पे जो एक तरह से इनकी मैनेजमेंट की जो कॉमेंट्री आई है कि आने वाले 5 ईयर्स के अंदर 5x यहाँ पे इनका एक तरह से जो प्रॉफिट है वो होता हुआ दिखाई देगा, ना कि इनका सेल्स, ना कि यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और जब 2500 करोड़ यहाँ पे कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा, 2000 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्या शेयर प्राइस आपको 2 रुपया पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे 2000 पे आपको शेयर प्राइस भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनकी एक तरह से सेल्स भी इंक्रीज उसी के अकॉर्डिंग होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 अगस्त PCBL अनाउंस्ड की, बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेटजी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी, जो सब्सिडरी कंपनियां उसको रीअरेंजमेंट करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एडवाया केमिकल इंडस्ट्री ACIL जिसको अप्रूव्ड द, यहाँ पे आपको देखने को मिले सब्सिडरी एक्वा फार्म केमिकल्स विद ACIL, यहाँ पे ACIL इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रोडक्ट के नाम है बायोसाइड्स, यहाँ पे ग्रीन चेलेट्स, पॉलीमर्स, फोनेट्स करके यहाँ पे देखने को मिल रहेगा। तो यहाँ पे ये सब सारी चीजें इनको रीअरेंजमेंट कंपनी करती हुई नजर आ रही। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी की, जो यहाँ पे ग्रांट ऑफ न्यू पैटेंट देखने को मिला है वो एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से कंपनी की एफिशिएंसी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। PCBL अनाउंस कंपनी ग्रांट पैटेंट ऑफ इंडियन पैटेंट ऑफिस टू इनोवेशन टू टाइटल हाइब्रिड कार्बन ब्लैक ग्रेड कंप्राइजिंग ग्रेफाइट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस रबर कंपाउंड, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे बेटर फ्यूल इफिशियंसी लीड्स, तो यहाँ पे ये सब सारी चीजें आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा काफी सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ पढ़ के नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट होने वाला है, PCBL की जो चेयरमैन है संजीव गोयनका ग्रुप के, जो चेयरमैन है संजीव गोयनका ने यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे 5x होने की यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में बता दिया है। यानी मतलब हर एक साल यहाँ पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1 गुना बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स से यहाँ पे वुड बी ब्रिंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 to 25 बिलियन देखने को मिल सकता है रुपीज में। तो यहाँ पे जो इनकी कॉमेंट्री है वो भी एक बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका बिजनेस रियलिटी ही है
कि इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो कंपनी 111 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है एक क्वार्टर में, और एक साल में 500 करोड़ के करीब करीब प्रॉफिट कर रही है। अगर 5x होगा तो 2500 यहाँ पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा आप देख लो। ये चीज 491 करोड़ से अगर 2500 करोड़ यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट होने लगेगा तो अभी जो प्राइस है आपको 400 रुपये के करीब है, तो 400 गुने अगर 5 कर देते तो 2000 रुपये प्राइस तो ऐसे भी देखने को मिले अगर इस लेवल से भी चलता है तो भी। लेकिन आपको कंपनी जब इतना ग्रो करेगी तो इसी लेवल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो और प्राइस ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और वो प्राइस का एक्शन अभी से ही आपको देखने को मिलने लग गया है दोस्तों। यहाँ पे आज कंपनी अगर आप देखोगे बेसिकली आज की डेट में अगर कंपनी के देखते हैं तो मार्केट कैप 14,549 करोड़ का है, और इनका अगर 5 गुने यहाँ से कर दिया जाए तो यहाँ 70,000 करोड़। क्या इनकी मार्केट कैप नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, 5 सालों में हो सकती है। 7th लार्जेस्ट अगर आप देखोगे कार्बन ब्लैक कंपनी है बेसिकली इन द वर्ल्ड, और इंडिया लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट है। तो क्या इसकी 70,000 करोड़ मार्केट कैप नहीं हो सकती? यहाँ पे स्टॉक के पी आप देखो तो 29 का है, कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 14% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है, कंपनी डिविडेंड भी बढ़िया देती है 1.43% का आपको डिविडेंड देती हुई नजर आती है, 13 रुपये EPS जनरेट कर रही है कंपनी। डेप्ट की अगर हम बात करें तो 4,983 करोड़ का इनके पास कर्ज देखने को मिलता है, तो डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन यहाँ पे कंपनी है जो अपनी डेप्ट को कम कर सकती है आने वाले समय दोस्तों। यहाँ पे अगर आप 3,209 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है, 4,983 करोड़ का इनके पास कर्ज है। अगर ये कंपनी धीरे धीरे डेप्ट कम करते जाती है तो इनका डेप्ट कम हो जाएगा। प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें तो 0% का है, प्रमोटर 51.4% की हाइएस्ट होल्डिंग ऑलरेडी रखे हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कंपनी की ग्राम नंबर प्राइस है 159 रुपये का आपको देखने को मिल रहा है, और पेट्रोस की स्कोर 5 की है, FIS एंड DIS की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी इसके अंदर है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर हैं आने वाले जो क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीदारी की इतनी जो तेजी देखने को मिला, क्या रिटेल इन्वेस्टर इतनी खरीदारी कर रहे हैं? तो रिटेल तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर भी खरीदारी कर रहे हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर तो जो प्रॉफिट में होंगे वो बेच के निकल रहे होंगे, क्योंकि इसका एक साल डेढ़ साल पहले देखो तो 100 रुपया पे करीब करीब 114 रुपये पे प्राइस आपको देखने को मिलता था, 114, 110, 111 का, और आज के डेट में आपको उस टाइम से अगर आप देखें तो 3.5x तो हो ही गया है, एटलीस्ट इतना गुना तो कर ही दिया है डेढ़ साल में। तो स्टॉक में तो डेढ़ साल में इतना तूफानी देखने को तो मिल ही चुका है। रिसेंट अगर आप क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पे जो DIS है वो खरीदारी कर रहे हैं, FIS सेलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पे इस बार दोनों खरीदारी करते हुए नजर आए। गवर्नमेंट की होल्डिंग 1.24% की यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पब्लिक की होल्डिंग 35.66% का है, और दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आज यहाँ पे आने वाली है। तो आज की डेट को बिल्कुल मत चुकिएगा, और इस स्टॉक को यहाँ पे बिल्कुल क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और ये मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे बेसिकली कंपनी का तो 102 करोड़ से कंपनी 111 करोड़ कंपनी प्रॉफिट की है, और 1374 करोड़ से सेल्स बढ़ के 1929 करोड़ हुआ। तो आप देखिए सेल्स में कितना तेजी से उछाल है इनकी, एक तरह से अगर आप देख सकते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे सेल्स में उछाल देखने को मिला है, और लेकिन यहाँ पे मार्जिन एक तरह से अगर आप देखें तो कंपनी का जो ये जो टैक्सेस है 26% देती हुई नजर आई थी, यहाँ 184 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पे 310 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ दिखा, यहाँ पे 19% का यहाँ पे इंटरेस्ट पे की थी, लेकिन यहाँ पे 108 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे की, तो कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा पे की, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट आपको कम देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट तो कंपनी की है अच्छी खासी, लेकिन अगर हम बात करें जून क्वार्टर की तो जून क्वार्टर में भी ये सारी चीजें उछाल देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी जरूर ज्यादा पे करेगी, लेकिन यहाँ पे कंपनी उछाल जरूर करेगी Q1 क्वार्टर के अंदर भी दोस्तों। यहाँ पे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।